नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज यूपी पुलिस 49,568 भर्ती से महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज 11 सितंबर 2020 की जो न्यूज़ आ रही है, पुलिस वेरिफिकेशन आपके जिला यानी गृह जनपद में जो आपके समीप थाना या चौकी पड़ती है वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन से न्यूज़ निकल के आ रही है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं पुलिस वेरिफिकेशन में, क्योंकि किसी के पास फ़ोन गया हो या ना गया हो आप जाके खुद कंफर्म कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार के अपडेट मिलती रहे। और यदि टेलीग्राम पर हैं तो स्टडी विद एक्सपीरियंस ज्वाइन कर सकते हैं या यूपी पुलिस SI क्वेश्चन बैंक जो बना हुआ ग्रुप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट मिल जाती है और आप कोई क्वेश्चन आपके द्वारा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और जितने भी 75 जिले हैं उससे संबंधित आपको 14,000 की लिस्ट या कोई भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी है, पहली चीज़ तो ये दिखा देते हैं कि ये जो फॉर्म है आपने भरा होगा, मेडिकल हो गया है और आज अंतिम तिथि है, 11 सितंबर, और जिनका 7 तारीख को था और 8 तारीख को था, मुझे लगता है गृह जनपद से उनके टाउन या ग्राम में यानी कस्बे और गांव में उनके पहुंच गया है पुलिस वेरिफिकेशन। आज 11 तारीख है और आज क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट नहीं पुलिस वेरिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स, बता देता हूं मैं यहां पे। पहली चीज़, यदि आपके पास आज कॉल आई है या नहीं भी आई है तो आप अपने जाके थाने में या चौकी में जो भी आपके पास पड़ता है थाना वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये दो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। पहले पे है प्रधान या सभासद, यदि जो ग्रामीण एरिया से उन्हें प्रधान से ज़रूरत पड़ेगी, जो कि निवास प्रमाण पत्र बनवाना है फोटोयुक्त, और उसमें ये लिखाया जाना है कि ये जो भी है अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, मोहल्ला ग्राम निवासी जो जो है और उसे प्रमाणित करता हूँ, उसमें नीचे सिग्नेचर और ग्राम सभासद के ग्राम प्रधान या सभासद के उसमें मोहर लगेगी, ये हो जाएगा। सेकंड पे आपका एक एफिडेविट बनेगा जिस पर यह लिखा हो कि थाने या कोर्ट में FIR या मुकदमा आपके द्वारा कोई भी नहीं है, तो ये एक नोटरी बनेगी। और ये दो चीज़ आवश्यक हैं अभी। और आपके पास फ़ोन, जो फ़ोन नंबर डाला गया होगा आपके द्वारा उसी पे ही कॉल आई होगी और आपने क्योंकि दो लोगों का नाम भी मेंशन किया होगा और उनके मोबाइल नंबर भी उसमें दिए होंगे कि यदि पुलिस वेरिफिकेशन आएगा तो उन्हीं के ही पास जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपने दो नंबर दिए थे उन्हीं नंबर पर कॉल गई होगी, और नहीं भी गई होगी तो क्योंकि वहाँ पर बताया गया था कि आपके नंबर पर ही कॉल आएगी और थाने से आपके पास कॉल पहुंच गई होगी तो आपको बुलाया गया होगा। और दो चीज़ें अवश्य बनवा लीजिए और उसके बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको 6 अक्टूबर से पहले आपके पास एक एडमिट कार्ड आएगा जो ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो उसी के बाद आपको संभवतः है बताया जा रहा है कि आपकी जो RTC है और वो आपको गृह जनपद में ही करवाई जाएगी। उसके बाद फिर JTC हो सकता है आपको किसी अंतर जिला भेजा जाए, वो बात की बात है, परंतु यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही है 1 महीना आपको गृह जनपद में ही RTC करने पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप चैनल पे बने रहें और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और आपने हाँ टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है और काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़ रहे हैं तो आप आपस में भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं और कोई भी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो साझा कर दें अभ्यर्थी को जिनका मेडिकल हो चुका है और पुलिस वेरिफिकेशन जाना है। तो आज मैक्सिमम कैंडिडेट को पहुँच गया जिनका 7 या 8 को था उनके वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन पहुँच गया होगा। और भी जानकारी के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।